स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें दो टॉपिक के ऊपर बात होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए डायरेक्टली टॉपिक की ओर चलते हैं और मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक को कैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेनेशन दे करके समझाना, ये सारी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। तो आज जो टॉपिक है आपका, जैसा कि पहले से मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो टॉपिक है, सभी जितने भी आयुर्वेद से डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट हो या बीएमएस के स्टूडेंट हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी दो पॉइंट के ऊपर। पहला, वर्गीकृत औषधियों की परिभाषा, और दूसरा जो टॉपिक है वो है द्रव्यों के गुण कर्मों की परिभाषा। जैसा कि पहले ही आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि संस्कृत में पूरे होते हैं और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, बिना एक्सप्लेनेशन के आप उसको अच्छी तरह से लिख नहीं पाओगे और प्रॉपर श्लोक के माध्यम से आपको लिखना होता है, अर्थ प्रॉपर पता होना चाहिए, तब जाके उस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे। तो मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे जीएनएम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए या फार्मासिस्ट हो गए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए या फाइनल ईयर के हो गए, या बी फार्मा के स्टूडेंट हो गए, बीएमएस के स्टूडेंट हो गए, तो उन सब के लिए सारे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 15 जो पॉइंट है, 15 जो टॉपिक है वो मैंने अलग किए हैं, और वर्गीकृत औषधियों की परिभाषा की जो 15 ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से द्रव्यों के गुण कर्मों की परिभाषा में मैंने 15 जो टॉपिक है वो अलग किए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये पूरे 30 टॉपिक हैं जो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो वर्गीकृत औषधियों की परिभाषा में 15 जो टॉपिक हैं उसमें कंटक, पंचमूल, पंचतिक्त, सड़ुसड़, अष्टवर्ग, जीवनीय गण, विषवर्ग, उपविषवर्ग, स्नेह वर्ग, भावना, शोधन, मारण, रुद्रभाग, तैल वर्ग, तृण पंचमूल और त्रिजातक। तो 15 पॉइंट हैं और 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से द्रव्यों के गुण कर्मों की परिभाषा के आधार पर अगर देखें तो इसमें भी 15 ही टॉपिक हैं। तो इसमें दीपन है, पाचन, संस्मन, अनुलोमन, ग्राही, रसायन, वाजीकरण, विष, विपाक, प्रभाव, सूक्ष्म, छेदन, देह संशोधन, विकासी और मदकारी। तो इस तरह से ये जो दोनों टॉपिक हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो 30 जो टॉपिक हैं मैंने आपको सेपरेट करके दिया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, एनुअल जो भी एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी तरह से समझाने वाला हूं और प्रॉपर अर्थ बता करके समझाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देख लेते हैं एक एक करके सभी औषधियों की परिभाषा क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है, तो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो है कंटक पंचमूल, तो कंटक पंचमूल किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि ज्यादातर अगर आप कोशिश करें कि इसको समझ करके लिखने की, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी शब्द हैं उसमें ही उनकी परिभाषा छुपी हुई है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कंटक पंचमूल। तो कंटक आपको न समझ में आए लेकिन पंचमूल समझ में आ जाना चाहिए, कि पंच मतलब पांच और मूल मतलब जड़े होती हैं, तो पांच जड़े हैं जो कंटक पंचमूल बन जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी औषधियां हैं उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कंटक पंचमूल में। तो इसमें करौंदा, गोछुर, कटसराया, सतवारी, गृधनखी, ये पांचों द्रव्य हैं, इनको समभाग ग्रहण अगर किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो उसको हम कंटक पंचमूल कहते हैं। तो कंटक पंचमूल में पांच औषधियां हैं। पंचतिक्त अगर बोलेंगे तो पंचतिक्त में है गुरुची, निम्बक मूलत्वक, निम्ब मूलत्वक का मतलब यह है कि नीम की जो जड़ है उसका त्वचा, उसके ऊपर की त्वचा को निम्ब मूलत्वक बोला जाएगा। वासा मूल है तो वासा अड़ुसा को ही बोला जाता है, तो वासा मूल है। कंटकारी और पटोल पत्र, ये पांचों द्रव्य को समभाग में लेंगे तो इनको हम पंचतिक्त कहते हैं। और पंचतिक्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पांचों का जो रस है वो तिक्त रस प्रधान है, इसलिए इसको पंचतिक्त कहते हैं।
उसी तरह से सड़ूसड़ जो है इसमें छह औषधियां हैं, तो छहों का नाम है पिपली, पिपली मूल है, तो पिपली और पिपली मूल, चव्य और चित्रक, शोंठ और मरीच, ये छह जो द्रव्य हैं इनको सम भाग में लेते हैं, इसलिए इनको हम सड़ूसड़ कहते हैं। और सड़ूसड़ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उष्ण वीर्य वाले होते हैं, मतलब इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इनको हम सड़ूसड़ कहते हैं। तो सड़ूसड़ मतलब उष्ण से मिलकर के बना है, तो सौष्ण भी कह सकते हैं। तो सड़ूसड़ मतलब कि छह उष्ण वीर्य वाले जो औषधियां हैं वो सड़ूसड़ में लिए जाते हैं। अष्टवर्ग की बात करेंगे तो अष्टवर्ग में आठ औषधियां हैं, जिसमें जीवक है, ऋषभ, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। तो ये आठ औषधियां जो है इनको अगर हम सम भाग में लेते हैं तो इनको हम अष्टवर्ग कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो है जीवनीय गण, तो जीवनीय गण मतलब जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। तो अगर आप देखेंगे तो अष्टवर्ग की आठों औषधियां इसमें है, तो ये आठों औषधियां और उसके बाद से मासपर्णी, मुग्धपर्णी, जीवंती और मुलेठी। तो अगर देखें तो जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मासपर्णी, मुदकपर्णी, जीवंती और मुलेठी, तो ये मिल करके जो है संभाग में अगर इनको लिया जाता है तो इनको जीवनीय द्रव्य कहा जाता है। तो कई जगह 10 औषधियों का उल्लेख और कई जगह 12 औषधियां भी इसमें बताई गई हैं। तो जीवनीय इसको द्रव्य भी कहते हैं या जीवनीय गण भी कहा जाता है। तो ये पांच औषधियां हो गई। अगली जो औषधियां है उसको भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं छठवां जो है, सिक्स नंबर जो है वो है विषवर्ग। और विषवर्ग में वत्सनाभ, हरिद्र विष, सकतुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, श्रृंगिक, कालकूट, हलाहल, ब्रह्मपुत्र, ये सभी विषवर्ग में आते हैं। तो जितने भी नाम बताए गए, वत्सनाभ, हरिद्र विष, सकतुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, श्रृंगिक, कालकूट, हलाहल, ब्रह्मपुत्र, तो ये सब विषवर्ग के जितने भी औषधि हैं विषवर्ग में आते हैं। मतलब ये ज्यादा मारक होते हैं, मतलब इसको अगर कोई ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जानी है। और उपविषवर्ग, विषवर्ग और उपविषवर्ग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। विषवर्ग जो है ये बहुत ही खतरनाक है, जिससे मृत्यु हो सकती है। उपविषवर्ग जो है ये भी जहरीला ही है लेकिन कम घातक है। तो इसमें जो औषधि द्रव्य है इसमें है आग का दूध, सेहुंड का दूध, कलिहारी, कनेर, गुंजा, अइफेन और धतूरा। तो इसमें जितने भी औषधि बताई गई है, आग का दूध, सेहुंड, कलिहारी, कनेर, गुंजा, अइफेन और धतूरा, तो ये जो औषधियां हैं ये उपविषवर्ग में रखी गई है। तो अगर उपविषवर्ग आता है तो ये सारे नाम आप उसमें लिख देंगे और बता देंगे कि विषवर्ग इनको कहा जाता है। उसी तरह से स्नेहवर्ग में अगर देखें तो स्नेहवर्ग का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है। स्नेहवर्ग मतलब जितने भी तैलीय पदार्थ हैं उनको स्नेहवर्ग में रखा गया है। और ये आयुर्वेद में जितने भी स्नेहवर्ग में जो दवाइयां बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं जो भी स्नेह, उनके नाम है, जैसे घी है, तिल का तेल है, वसा, मज्जा। तो घी, तिल, तेल, वसा और मज्जा, इन्हें सम्मिलित रूप में स्नेहवर्ग कहा जाता है। तो इनको अगर एक साथ मिला देते हैं या एक साथ रखा जाता है तो इन्हें हम स्नेहवर्ग कहते हैं। ज्यादातर इनका प्रयोग पीने के लिए मर्दनार्थ, बस्ती कर्म हेतु और नस्य कर्म में प्रयोग किया जाता है। तो पीने के लिए मतलब कि औषधियों के साथ, या मर्दनार्थ मतलब औषधियों को खरल में रख करके कूटते हैं, पीसते हैं, तो उसको मर्दनार्थ में प्रयोग में लिया जाता है। बस्ती कर्म, गुदा मार्ग द्वारा अगर औषधि प्रविष्ट कराई जाती है या योनि मार्ग द्वारा औषधि प्रविष्ट कराई जाती है तो वहां पर स्नेहवर्ग की जो औषधियां उनका प्रयोग किया जाता है। नस्य कर्म मतलब नाक में जो तेल है डालना है तो प्रतिनस्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भावना अगर बोले, भावना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भावना सर समझा दे, भावना है क्या? तो भावना का मतलब ये है कि जितनी भी औषधियां हैं, जैसे ज्यादातर औषधियां इसमें धातु वाली जो औषधियां, जितने भी धातु हैं, चाहे ताम्र हो गया या रजत हो गया या स्वर्ण हो गया, तो इनको जब भस्म इनका बना लिया जाता है, या जितने भी काष्ठ औषधियां, काष्ठ औषधियां जितने लकड़ी हो जाती है, जो औषधियां सुखाने के बाद से बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो उनको काष्ठ औषधि बोला जाता है। तो इनके चूर्ण या जितने भी धातु है उनके भस्म को लेकर के और द्रव पदार्थ के साथ, चाहे वो स्नेह हो गया या क्वाथ हो गए या स्वरस हो गए, उनके साथ गीला कर लेते हैं और पत्थर के खरल में रख करके तब तक उसको रगड़ते हैं, मर्दन करते हैं, जब तक वो गीला पदार्थ उस पूरे औषधि द्रव्य में पूरी तरह से सूख न जाए। तो सूखने के बाद, मर्दन करते करते अगर वो सूख जाता है तो उसे ही हम भावना कहते हैं।
कहा जाता है या माना जाता है, जितने भी आयुर्वेदिक जो भी दवा बनाने वाले जो भी वैद्य हैं, तो उनका मानना है कि इस तरह भावना करने से, औषधियों के साथ भावना करने से इनकी जो गुण है उसमें वृद्धि हो जाती है और ये बहुत तेजी से शरीर में काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से औषधियों के गुणों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है जिसको हम भावना कहते हैं। उसी तरह से अगर शोधन बोला जाए तो शोधन आपको मैं बता दूं कि जितने भी धातु हैं, चाहे जितने भी गंधक हैं, पारद है, अभ्रक है, ताम्र है, या जितने भी रत्न हैं, तो जिनके भस्म बनाए जाते हैं या जिनसे दवाइयां बनानी है भस्म के उपरांत, या लेना है प्रयोग में दवा के तौर पर, तो इनको प्रयोग में लेने से पूर्व माना जाता है कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, भस्म बन जाता है तब भी, तो उसके बाद भी इसमें शोधन की प्रक्रिया की जाती है। इसमें स्वरस, क्वाथ या गोमूत्र, दुग्ध, घी आदि ये सब मिला करके उसके साथ मर्दन करते हैं या स्वेदन करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, या भावना की प्रक्रिया की जाती है। तो इससे दोषों को नष्ट किया जाता है। या सामान्य भाषा में आप अगर शोधन को लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि पारद है, अभ्रक है, या रत्न है, या उपरस है, या गंधक आदि के जितने भी उपरस हैं, जो धातुएं हैं, उनके दोषों को नष्ट करने के लिए जो क्वाथ, स्वरस या गोमूत्र आदि जो भी पदार्थ हैं उनके साथ जो प्रक्रिया की जाती है जिससे इनमें उपस्थित अशुद्धियां पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उन्हें हम शोधन कहते हैं। तो देखते हैं नया जो नेक्स्ट जो नंबर है, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है। अगली जो औषधि है वो 11वीं नंबर जो औषधि है उसको हम तैल वर्ग बताए थे आपको पहले ही। 11वीं जो औषधि है 11 नंबर पे वो तैल वर्ग है। तो तैल वर्ग जितनी भी औषधियां जो तैल वर्ग में है वो कुसुम्ब, मालकांडी, करंज, तिल और सरसों के तेल, इनको एक साथ रखते हैं तो तैल वर्ग कहा जाता है। आप लिख सकते हो कुसुम्ब, मालकांडी, ये दिख नहीं रहा होगा, ब्राइटनेस यहाँ पे ज्यादा है तो मैं बता देता हूँ, कुसुम्ब, मालकांडी, करंज, तिल और सरसों के तेल को तैल वर्ग कहा जाता है। उसी तरह से 12वीं जो औषधि है, औषधि की परिभाषा है मारण। तो मारण किसे कहते हैं, मारण को हम भस्मीकरण भी कहते हैं। तो जैसे ही पहले जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, या जितने भी खनिज लवण हैं, उनका उनको अलग अलग मात्रा में अलग अलग टेम्परेचर पे भस्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसी को ही मारण कहा जाता है। तो साफ साफ लिखा हुआ मारण और भस्मीकरण पर्यायवाची शब्द है। धातुओं, उपधातुओं, खनिज द्रव्यों को अग्नि में अलग अलग प्रमाण में अलग अलग मात्रा में अगर जलाते हैं तो उसे ही हम मारण कहते हैं। उसी तरह से रुद्रभाग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है रुद्रभाग, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। रुद्रभाग किसे कहते हैं, जब औषधि निर्माण करनी होती थी पुराने समय में, तो वैद्य क्या करते थे, बनिए की दुकान से जो औषधियां लेते थे, तो जिस बनिए की दुकान से जो वैद्य औषधि ले रहा है, तो वो बनिया क्या करता था, उस वैद्य को कमीशन के तौर पर उस औषधि को खरीदने में लगने वाले पैसे का 11वां हिस्सा वो वैद्य को दे देता था। तो मतलब कि कमीशन कह सकते हैं कि वो कमीशन वो वैद्य को देता था, उसे ही रुद्रभाग कहा जाता था। तो उस समय ज्यादातर गलत औषधियां, मतलब खराब सड़ी गली औषधियां नहीं बेची जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में क्या है, ये कमीशन खोरी बढ़ गई है और गलत दवाइयां भी दिया जा रहा है, उस पर लोग कमीशन लेते हैं, तो उसे ही रुद्रभाग कहा जाता है। आप लिख सकते हैं कि औषधि निर्माण के लिए बनिए की दुकान से जो द्रव्य वैद्य द्वारा खरीदा जाता था, उसके लिए वैद्य को दुकानदार 11वां भाग, मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है उसका 11वां भाग, मतलब 11% नगद रुपए देता था, यही रुद्रभाग था उस समय के हिसाब से। उसी तरह से फिर है त्रिजातक। त्रिजातक को हम त्रिसुगंधि भी कहते हैं। इसमें तीन औषधियां हैं, दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र। तो इन तीनों को एक साथ लिया जाता है तो इसे हम त्रिजातक या त्रिसुगंधि कहते हैं। उसी तरह से तृण पंचमूल है। तृण पंचमूल, तृण मतलब घास ही है, तो तृण पंचमूल पांच, इसमें तृण के मूल को रखा गया, तो कूस, काश, सर्पत, दर्भ और इच्छु, ये पांचों मूल जो है एक साथ ग्रहण किए जाते हैं, तो इसको हम तृण पंचमूल कहते हैं, तृण पंचमूल कहा जाता है। तो वर्गीकृत औषधियों की जो परिभाषा थी, जिसमें 15 औषधियों को मैंने अलग किया था, 15 जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही 15 औषधियों को मैंने अलग किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और उनकी परिभाषा किस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हो, मैंने श्लोक इसलिए नहीं लिखे कि
कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे जिनको श्लोक अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्टली आपको अर्थ ही बता दिया है औषधियों का, ताकि आप आसानी से श्लोक नहीं याद करना पड़े आपको, और एग्जाम में आसानी से आप जा करके अर्थ लिख दें और परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ करके अगर लिखेंगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो 15 जो औषधियां थी, वर्गीकृत औषधियों की जो परिभाषा थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये समझूंगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत की है वो सफल हुई। और आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और लाइक कीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए। और 15 जो औषधियां हैं, मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताने वाला हूं, जो 15 औषधियां जो जिनकी परिभाषा मैं बताऊंगा, उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।